हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग नेचर एसेंस गोल्ड क्रीम ब्लीच का। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू जो होने वाला है नेचर एसेंस का गोल्ड क्रीम ब्लीच है। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुका है, डलनेस हो चुका है, कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाना है तो आप इस नेचर एसेंस का गोल्ड क्रीम ब्लीच का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अप्लाई किया है, मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है फ्रेंड्स, और इसको अप्लाई करने के बाद मेरा चेहरा भी बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुका था धूप में जाने की वजह से, तो मैंने इसे परचेस किया और इसे लगाकर मैं आपको भी लाइव डेमो दिखाऊंगी किस तरह का ये इसको लगाना होता है, और उसके बाद का रिजल्ट आप देख सकते हो। स्किन में विदाउट एनी मेकअप भी आपका स्किन ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है नेचर एसेंस का गोल्ड क्रीम ब्लीच है फॉर लाइटर स्किन विद अ गोल्डन ग्लो, नो एडेड अमोनिया। तो फ्रेंड्स, इसको आप यूज कर सकते हैं, पार्टी फंक्शन में जाने से पहले भी आप इसे लगा सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा गया है एवरी 3 वीक के बाद आप इसे अप्लाई कीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी चीज होती है जो स्पेशली जो ये क्रीम ब्लीच है आपको यूज नहीं करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे तभी यूज कीजिए। अगर आप पार्टी फंक्शन में जाने से एक दिन पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो ये नेचुरल है, स्वीटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए, बट रेगुलर यूज जो ब्लीच का आपके चेहरे को हार्म पहुंचाता है, डलनेस है, टैनिंग है, तभी आप इसे अप्लाई कीजिए। बाकी टाइम आप जो होम रेमेडी है उसका यूज कीजिए, हल्दी बेसन का यूज कीजिए, उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि मेरा टैन हो चुका था तो मैंने इसे यूज किया है, बट इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप भी इसे सम टाइम्स पार्टी फंक्शन के टाइम जाने से एक दिन पहले आप इसको लगा सकते हो, टैनिंग हो गया तब भी लगा सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी रेगुलर यूज आपको जो ब्लीच होता है नहीं करना चाहिए। इसे क्लोज से मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज इस पैक में आपको मिलने वाला है, साथ में आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने अप्लाई किया है उसके बाद ही मैंने इंट्रो किया था और चेहरे में एक अच्छा खासा शाइन आ गया है, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डू अ पैच टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये है नेचर्स का गोल्ड क्रीम ब्लीच है। इसमें आने वाला है आपको फ्री एलोवेरा जेल सैचेट 5 ग्राम का फॉर लाइटर स्किन विथ अ गोल्डन ग्लो, नो अमोनिया एडेड। जैसे कि इसमें लिखा गया है डी टैन पावर के साथ मिलने वाला है आपको, टैनिंग स्किन को रिमूव करता है, आपके स्किन को फ्लॉलेस बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रिकॉशंस लिए गए हैं, अगर आपके स्किन को इन्फ्लेम्ड है, चैप्ड है और इरिटेटेड स्किन है तो आप इसे अप्लाई मत करो, और अगर आपको इरिटेशन होने लगे तो आप फेस को वॉश कर लो। इसीलिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी जैसे आपको बोल लेना है, कांच का या प्लास्टिक का बोल लीजिए, आपको इसे मेटल में नहीं बनाना होता है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं प्रिकॉशंस, उसे आपको लेना है। थोड़ा सा माइल्ड टिंगल ये ज़रूर करता है, हल्का सा आपको सेंसेशन होगा, तो वो थोड़ा जो है कॉमन चीज़ें है, जब हम ब्लीच लगाते तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, नेचर एसेंस का पूरा किट भी आता है, जैसे कि मैंने ओनली ये ब्लीच लिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रब वगैरह सारा कुछ एक किट आता है, पार्टी फंक्शन में जाने से पहले घर बैठे ही आप कर सकते हो। तो ये जैसे कि मेरा टैन हो गया था, काफ़ी धूप में मैं गई थी कुछ दिन, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि एक ब्लीच ले लिया जाए, इससे टैन जल्दी से रिमूव होता है। अगर आप कभी भी फेस करते हो कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गया है, तब उस समय आप ब्लीच का अगर यूज़ करते हैं तो 100% रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, इस तरह का आपको एक क्रीम आएगा, साथ में एक्टिवेटर आता है, स्पैचुला आता है, एलोवेरा का एक सैचेट आता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये क्रीम है और इसी में जो है एक्टिवेटर जो पाउडर होता है मिलाया जाता है, प्रॉपर रेशियो में अगर आप मिलाते हैं तो ये वर्क करता है अच्छे से आपके स्किन पर। तो फ्रेंड्स, इसके बैक में सारा कुछ डिटेल लिखा है, आप पॉज करके जूम करके पढ़ सकते हैं, और ये मुझे मिला है जैसे मैंने जो मार्केट से लिया था 70 रुपीज़ में मिला है, बहुत ही अच्छा है। कभी भी आप फेस करते हो मेरे जैसे प्रॉब्लम को, टैनिंग हो जाता है, बाहर जाते हो, तो आप इसका कभी कभार यूज़ कर सकते हो, शादी पार्टी में जाने से पहले भी पूरा जो किट है उसका भी आप ला कर रख सकते हो, कई बार के यूज़ का आपको काम आ जाएगा। तो ये ओनली 70 रुपीज़ का है, वर्थ बाइंग है फ्रेंड्स। और इसे किस तरह से अप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो 2 स्पैचुला के करीब मैंने इसका जो क्रीम है वो लिया है, और जैसे कि रेशियो बताया गया है उस हिसाब से फेस पे और नेक में लगाने के हिसाब का मैंने डाला है। तो 2 स्पैचुला लिया है मैंने क्रीम का, और इसमें मैं डालूंगी 3 पिंच के बराबर हमें एक्टिवेटर पाउडर डालना है। तो फ्रेंड्स, जितना बताया जाए उसी हिसाब से आपको डालना है, ये 2nd पिंच है,
और थर्ड पिंच में डालूंगी तो दो स्पैचुला क्रीम का 3 पिंच के बराबर आपको एक्टिवेटर पाउडर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे तुरंत अप्लाई करना होता है। इसे आपको रख के अप्लाई नहीं करना है। इस तरह का ग्लास बोल ले लीजिए या प्लास्टिक बोल, उसमें मिक्स करके आपको अपने क्लीन फेस पे लगाना है। चेहरे को पहले से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, फिर आपको लगाना है और आईज के हिस्से को छोड़ के, आईब्रोज के हिस्से को छोड़ कर आपको लगाना है। आपका जो भी टैनिंग है बिल्कुल हट जाएगा, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा पैक लगा मुझे, डी टैन करता है, मैंने इस तरह से लगा लिया। बिल्कुल आप चाहे तो स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, मैंने हैंड से लगाया है। आईज़ के हिस्से को और ख़ास करके आईब्रोज के हिस्से पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि ये ब्लीच है तो ये ब्लीच करता है स्किन को, फेयरर बनाएगा आपके स्किन को। एक बार के यूज़ में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये लाइव डेमो है बिल्कुल, और मैंने इसे 15 मिनट्स रखा था। डिपेंड ऑन योर स्किन, 10 to 15 मिनट्स आप रख सकते हो। इसके बाद मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और देख सकते हो फाइनल रिजल्ट इसका लाइव डेमो है। जो भी स्किन डलनेस लग रहा था मेरा काफ़ी दिन से धूप में जाने की वजह से, तो अच्छा खासा अभी ग्लो करने लगा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टैन हो गया तो 15 मिनट्स रखिए, अदरवाइज 10 मिनट्स इज इनफ। और देख सकते हो प्रॉपर रेशियो में आपको यूज़ करना है बस। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, आपके साथ मैंने लाइव डेमो शेयर किया है। पर्सनली मुझे पसंद आया, जैसे कि मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा रेयरली बिल्कुल जो ओलिविया क्रीम ब्लीच था उसे यूज़ कर लेती थी जब कभी भी स्किन टैन हो जाता था। बाकी टाइम मैं ब्लीच का यूज़ नहीं करती हूँ और टोटली जैसे कि आई डिपेंड ऑन नेचुरल थिंग्स, तो वही सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसका रिजल्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा आया है और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस प्रोडक्ट्स के साथ जाइए, आपको भी पसंद आने वाला है। तो आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं मेरे चैनल को तो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।